हेलो एंड वेलकम टू माय न्यूट्रिशियस रेसिपीज। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैंने बनाई है केसर इलायची के फ्लेवर वाली कुकीज़। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 1/4 कप पीसी हुई शक्कर, इसे मैंने छान लिया है। रूम टेम्परेचर वाला घी है 1/4 कप। अगर ज़्यादा मेल्टेड है तो 2-3 मिनट के लिए आप फ्रिज में रख सकते हैं, तो ये अच्छा हो जाएगा, फेंटने में आसानी रहेगी। मैंने इसी तरह से किया है, 2-3 मिनट के लिए फ्रिज में रखने के बाद फेंटा है इसे। तो अब ये काफ़ी लाइट हो गया है, इसका कलर भी वाइट हो जाता है। अब हम ले लेंगे 1/2 कप गेहूं का आटा। तो मैं यहाँ पर मैदा नहीं ले रही हूँ, सिर्फ गेहूं के आटे से बनाई है। और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं लिया है, इलायची पाउडर डाल दिया है और इसे मिक्स कर देंगे। मैंने यहाँ पर केसर वाला दूध भिगो के रखा है, तो 1 चम्मच दूध में केसर डाल के रखी थी गर्म दूध में, और उसे रूम टेम्परेचर पर लाया है, वो भी मिक्स कर देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं हल्के हाथों से। तो ये देखिए, इस तरह का डो रेडी होगा। अब अपनी चॉइस का शेप दे देंगे और इस तरह से पहले बॉल्स बनाएंगे, थोड़ी सी फ्लैट करेंगे। अब इसे मैंने इस तरह से थोड़ा राउंड करके इसमें एक होल बना दिया है और ऊपर से फोक से थोड़े से छेद कर दिए। तो आप अपनी चॉइस से कोई भी शेप दे सकते हैं। 10 मिनट के लिए मैंने इसे फ्रिज में रखा है, तब तक हमारा ओवन प्रीहीट हो जाएगा। ट्रे में मैंने बटर पेपर लगा दिया है और ये मैंने मैंगो जैम लगाया, ऊपर से थोड़े शक्कर के दाने डाल के 180 डिग्री पे 15 मिनट के लिए मैंने इसे बेक किया है। तो थोड़ा ठंडा होने के बाद में हमें रैक पे रखना है, उसके बाद पूरा ठंडा हो जाएगा, तब मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ही ये टेस्टी और खस्ता बने हैं।